न्यू करते हुए ये हमारा जो है 8वां क्लास है। इससे पहले 7 क्लासेस हो चुकी हैं, आप उनको देख लीजिएगा अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग उस क्लासेस को कर लीजिएगा, मत भूलिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोगों को प्रिपेयर होकर के जाना है, सो बी प्रिपेयर अभी से, और चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पर, बाल विकास एक प्रणाली है यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ सिस्टम कैसा है, ये ऑप्शन देखिए, धीमी तेज गति की, ऑप्शन बी है सतत क्रमिक लगातार चलती हुई, ऑप्शन सी है समान रूप से लगातार चलते हुए विकास की, और ऑप्शन डी है प्रायिक विकास की। तो 31 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आप लोग देखिए ऑप्शन बी, सतत क्रमिक लगातार चलती हुई, यानी कि जो बाल विकास है चाइल्ड डेवलपमेंट ये कैसा सिस्टम है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस से बोल सकते हैं हम, कंटिन्यूस से सतत क्रमिक लगातार चलती हुई, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है। तो इससे पहले जो है हम लोगों ने लगभग 135 क्वेश्चंस को किए हैं, आज 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन, अग्रलिखित में से कौन से तथ्य अच्छे परीक्षण की विशेषताओं से संबंधित है, यानी कि देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट, यानी कि अच्छे परीक्षण, गुड टेस्ट के लिए, परीक्षण यानी कि टेस्ट के लिए इसका कैरेक्टर बताना है। ऑप्शन ए है विश्वसनीयता, ऑप्शन बी है वैधता, ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी है सभी। तो विश्वसनीयता यानी कि क्रेडिबिलिटी होना चाहिए, वैलिडिटी इट मींस कि वैधता को वैलिडिटी बोलते हैं, और वस्तुनिष्ठा इसको क्या, ऑब्जेक्टिविटी, और ऑप्शन डी में ऑल है। तो 32 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, चलिए देखते हैं। तो 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी, जो कि ये सभी होना चाहिए, ठीक है, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वैलिडिटी भी होना चाहिए, और वस्तुनिष्ठा भी होनी चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में इग्नू की स्थापना कब हुई थी। तो इग्नू ये अगर पूछा जाएगा कि इग्नू किस प्रकार का एजुकेशन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा निरोपचारिक, इट मीन्स कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है, एजुकेशन को 3 टाइप में बांटा गया है, एक है फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा है इनफॉर्मल, और तीसरा है नॉन फॉर्मल। तो एजुकेशन के इन सिस्टम्स के बारे में भी हमें डिटेल से पढ़ना है, तो उसी में एक क्वेश्चन आता है कि इग्नू जो है ये किस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम है, तो ये क्या होगा, निरोपचारिक होगा, ये आप कॉलेज जहाँ भी आपका रहेगा वहाँ से दूर रह के आप इसमें पढ़ सकते हैं, इसमें कोई रिजिडिटी नहीं होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इग्नू के बारे में थोड़ा पढ़ के जाना ही है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, देखिए ऑप्शन सी जो है 1985 इसका करेक्ट आंसर होगा। 34 क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है, इट मीन्स कि एक्शन रिसर्च किसके लिए आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए सिद्धांतत प्रशिक्षण में यानी कि थ्योरी टेस्ट में, ऑप्शन बी है शोध प्रबंधन में, ऑप्शन सी है सिद्धांत विकसित करने में, आगे देखते हैं ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है देखिए यहाँ पर कक्षा की समस्या का समाधान करने में। तो यहाँ 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कक्षा की समस्या का समाधान करने में, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ जो है क्लास यानी कि सॉल्विंग क्लास प्रॉब्लम, क्लास की जो कक्षा की जो समस्या यानी कि प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नहीं यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी नहीं होगा, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, इस तरह का ही कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी, हाँ इस यहाँ पर ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे कक्षा की समस्या का समाधान करने में, ठीक है, क्लास प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होती है, इस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो हम लोगों को अप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना होता है। तो आप लोग भी यही मेथड को अप्लाई करेंगे अपने
अब जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो 34 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 35 का क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, द सब्जेक्ट टू बी टॉट बाय द टीचर शुड बी, शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय होना चाहिए, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार, शिक्षक के ज्ञान के अनुसार, शिक्षक की रुचि के अनुसार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हम लोग को समझना होगा शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय कैसा होना चाहिए। अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट है, तो वो कैसा होना चाहिए, या फिर आप किसी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो आपका एम क्या होना चाहिए, आप क्या सोचेंगे। तो देखिए, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार ही हम लोगों को पढ़ाना चाहिए, यानी कि ये जो टीचिंग होता है ना, जो हम लोग पढ़ाते हैं, ये क्या होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ऑप्शन बी देखिए क्यों नहीं होगा, शिक्षक के अनुसार, वो अपने अनुसार पढ़ाएगा तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं, उनको समझ में आएगा ही नहीं, तो वो फिर कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा ही नहीं, शिक्षक की रुचि के अनुसार ये भी नहीं होगा। तो ये जो एजुकेशन या फिर टीचिंग कैसा होना चाहिए, वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, छात्रों के मानसिक स्तर यानी कि मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाएंगे तो बच्चा जो है जल्दी उसको क्या एक्वायर्ड करेगा, यानी कि जल्दी उसको ऑब्जर्व या मतलब क्या बोल सकते हैं, जल्दी उसको ग्रहण करेगा, वो ले सकता है और उसको सीख सकता है। तो छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय होना चाहिए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बालक के विकास एवं वर्धन में निम्नलिखित में से कौन सा किसका महत्व है। तो देखिए, बालक के विकास में यानी कि डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इसमें निम्नलिखित में से किसका महत्व होना चाहिए, अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी, ऑप्शन बी पर्यावरण जो कि एनवायरनमेंट है, उपयुक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी। तो देखिए, किसी भी चाइल्ड में, चाइल्ड का डेवलपमेंट के लिए हम लोग को ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के विकास के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको घबराना नहीं है एग्जाम सेंटर में, तो फिर इस तरह से आप लोग आंसर कर सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि का प्रकार है। देखिए, चार ऑप्शन है, इसमें से इंटेलिजेंस का टाइप कौन सा है, ठीक है। इंटेलिजेंस जो कि बुद्धि है, इसको हम लोग को, ये भी चैप्टर है, इसे भी एग्जाम में पढ़ करके जाना है, तो हम लोग का फोकस रहेगा एमसीक्यू। जितना अधिक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ना, उतना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सबसे पहले होता क्या है कि हम लोग डरने लगते हैं, क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ग्रेजुएशन बाद बीएड करना चाहते हैं, पीजी के बाद ग्रेजुएशन मतलब बीएड करना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग को ग्रेजुएशन तक या पीजी तक जो है, हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड को जाने ही नहीं होते हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग को एंट्रेंस में पढ़ना होता है, तो इससे हम लोग को घबराना नहीं है। तो सारे टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा, तो इस पर हमारा फोकस रहेगा कि एमसीक्यूज़ को मतलब क्वेश्चंस को हम ज़्यादा अधिक से अधिक करके जाएं। तो बुद्धि का प्रकार क्या है, इट मीन्स कि इंटेलिजेंस का टाइप क्या है। ऑप्शन ए है देखिए सामाजिक बुद्धि, ऑप्शन बी है अमूर्त बुद्धि, ऑप्शन सी है मूर्त बुद्धि, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो 37 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सामाजिक यानी कि सोशल इंटेलिजेंस होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि में इसको बोलते हैं कंक्रीट इंटेलिजेंस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 का देखिए, बुद्धि किस प्रकार की क्षमता है। तो इंटेलिजेंस जो है किस प्रकार की एबिलिटी है, ऑप्शन ए है शारीरिक क्षमता, ऑप्शन बी है मानसिक क्षमता, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए जो बुद्धि है ना, इंटेलिजेंस है, वो मेंटली यानी कि जो ऑप्शन बी है मानसिक क्षमता होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग आज 20 क्वेश्चंस को करेंगे और ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। व्यक्ति की विभिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने प्रारंभ किया था। व्यक्तिक विभिन्नता, वर्ड्स को भी हमें समझना है, शब्दों को लेकर के चलना है। शब्द ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो हमें
मतलब समझ में आता ही नहीं है उसका मतलब क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ व्यक्तिक विभिन्नता, व्यक्तिक का मतलब क्या होता है इंडिविजुअल, और विभिन्नता डिफरेंस। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का सबसे पहले अध्ययन करने वाले जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका नाम क्या है, तो ऑप्शन बी जो गाल्टन है इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, सीखने की खेल विधि किस अवस्था में उपयोगी होती है। 40 नंबर क्वेश्चन, सीखने की खेल विधि किस अवस्था में उपयोगी होती है। ऑप्शन ए है शेषावस्था, ऑप्शन बी है युवावस्था, ऑप्शन डी है परिपक्वता, ऑप्शन सी है परिपक्वता, ऑप्शन डी है बाल्यावस्था। तो देखिए सीखने की यानी कि जो हम लोग लर्न करते हैं ना, खेल विधि, खेल के द्वारा जो भी हम लोग सीखते हैं ये किस अवस्था में उपयोगी होती है, इस चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है। और ये जितने भी स्टेजेस हैं इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए खेल के विधि से जो सीखते हैं ये किस अवस्था में हम सीखते हैं, हम कब सीखते हैं, तो ये जो है बाल्य अवस्था में हम लोग खेल खेल में ही बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्टी वन नंबर क्वेश्चन है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, जो चाइल्ड है उसका मेंटल हेल्थ किस पर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए है विद्यालय पर, ऑप्शन बी है परिवार पर, ऑप्शन सी है समुदाय पर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ ऑफ ए चाइल्ड वो किस पर डिपेंड करता है, ये तीनों पर ही डिपेंड करता है, विद्यालय पर भी, परिवार पर भी और समुदाय पर भी। देखिए स्कूल में भी डिपेंड होता है, फैमिली में भी, जो भी कम्युनिटी में आप रह रहे हैं समुदाय में भी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस किए हैं और 10 क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन अगर हम करेंगे तो हमारे लिए समझने में, अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाएगा। और जैसे हम लोग अंडरस्टैंड करते हुए जाएंगे ना तो हम लोग को मतलब ईजी होने लगेगा, हमें इंटरेस्ट डेवलप होगा उस सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो हमें इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट हम लोग को पढ़ना है, किसी भी चीज़ को कर रहे हैं अब आप अगर उसमें इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं करें, इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपको वो चीज़ आगे करने मन नहीं करेगा। इसलिए हम लोग को विद इंटरेस्ट किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करना है और अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे तो खुद ब खुद जो है वो इंटरेस्ट डेवलप होते जाएगा, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, यदि अध्यापन के दौरान, यहाँ अध्यापक नहीं है, अध्यापन के दौरान कक्षा में कुछ गड़बड़ी होती है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। अध्यापक यहाँ पर लिखा हुआ है तो अध्यापन होगा, ठीक है। पढ़ाते समय कक्षा में कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो जो वो टीचर है उसको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है शिक्षण कार्य कक्षा पूरी होने तक जारी रखना चाहिए, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों की पहचान करना, उन्हें दंडित करना, ऑप्शन सी है थोड़ा ठहराव रखना एवं आगे बढ़ना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए पढ़ा रहे हैं आप, अगर कुछ गड़बड़ी हो गया तो इससे घबराना नहीं है आपको, थोड़ा सा पढ़ाते मतलब जहाँ गड़बड़ी हो गया जहाँ पर हाँ जहाँ गड़बड़ी हो गई वहाँ पर आप थोड़ा रुक जाइए फिर आप आगे कंटिन्यू करिए। तो यहाँ पर आपको एज ए टीचर आपको खुद को एक टीचर मानना है और उस अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर को देना है। तो थोड़ा रुक जाएंगे फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे उस लेसन को, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में शामिल है, शिक्षण प्रक्रिया जो टीचिंग प्रोसेस है ना इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है, शामिल क्या क्या चीज़ किया जाता है। शिक्षण एवं मूल्यांकन, टीचिंग एवं इवैल्यूएशन बोल रहा है शिक्षण प्रक्रिया में, ठीक है, टीचिंग जो प्रोसेस होता है इसमें। ऑप्शन बी है अपने विद्यार्थियों को जानना, हम जो है अपने विद्यार्थियों को जानेंगे। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को दिशा देना, हाँ ये तो गाइडेंस हम लोग को करना ही है, हम अगर टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे ही, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शिक्षण एवं मूल्यांकन ये तो हम करेंगे ही ताकि पता लगे कि कौन स्टूडेंट्स कितना किस लेवल पर है, इस चीज़ को हम लोग पता लगा सकते हैं इवैल्यूएशन से। उसके बाद विद्यार्थियों को जानना ये भी इम्पॉर्टेंट है, और विद्यार्थियों को दिशा निर्देश देना। देखिए टीचिंग का मतलब ही होता है कि आप उसको
निर्देश दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी भी होगा, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वातावरण का प्रभाव पड़ता है, निम्नलिखित में से किस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है शारीरिक विकास पर, ऑप्शन बी है मानसिक विकास पर, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व पर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका देखिए, वातावरण का प्रभाव जो है शारीरिक विकास पर भी होता है और मानसिक विकास पर भी होता है। डेवलपमेंट जब मेंटल डेवलपमेंट होता है तब भी जो है एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है। एनवायरनमेंट का क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया की नींव किस अवस्था में पड़ती है, यानी कि चाइल्ड में सोशलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिक क्रिया की प्रक्रिया, समाजीकरण की, ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया की नींव किस पर पड़ती है। तो देखिए 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 6 वर्ष में पड़ती है। 46 नंबर क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी शब्द के समानांतर कौन सा है। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है रचनात्मक, मौलिकता, सृजनात्मक, उपरोक्त सभी। तो 46 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है। करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, जो भी हम करते हैं किसी भी चीज़ को हम खुद से करते हैं तो उसमें एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं, अनुभव होता है कि इस चीज़ को करने से क्या होता है और इस चीज़ को करेंगे तो मतलब हम जल्दी सीख सकेंगे। तो ये किस अवस्था में उपयुक्त होता है, ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो 47 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए आप छोटे होते हैं, छोटे बच्चे भी क्या होते हैं कि वो लोग करके ही सीखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे ये कैंडल है, एक बच्चा जो है छोटा बच्चा यहाँ पर जाना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन आप बार बार उसे क्या कर रहे हैं कि आप बार बार उसे पीछे हटा ले रहे हैं, उसे मतलब उस मोमबत्ती के सामने से आप उसे हटा दे रहे हैं, फिर भी वो बार बार करता रहेगा करता रहेगा। तो आप उसे एक बार के लिए छोड़ देंगे कि तुम जाओ, तो फिर वो मोमबत्ती के पास जाता है, उसे छूता है, जब उसे छूता है तो क्या होता है कि उसे पेन होता है, ठीक है, उसको पेन होता है, तो वो जान जाता है कि इसके पास अगर हम जाएंगे तो क्या होता है, इसको छूने से क्या होता है, पेन होता है। तो इस चीज़ को हम करके ही सीखते हैं, छोटे बच्चे हो, बाल्यावस्था में हो, बड़े भी जो हैं वो क्या करते हैं, वो करके ही सीखते हैं। तो इस प्रकार से करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इन सभी स्टेजेस के लिए ये क्या है, उपयुक्त है, ठीक है। तो ये एग्जांपल के थ्रू मैं समझाई हूँ, ये अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, बालकों के प्रयास की इच्छा जीवित रखिए। जो बालक जो प्रयास कर रहे हैं, इसकी इच्छा को, डिज़ायर को हम लोग को कंटिन्यू रखने के लिए रखिए, यानी कि ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट एक दो पूछे जाते हैं एंट्रेंस में, तो इसको भी पढ़ करके जाना है। बालकों के प्रयास की इच्छा जीवित रखिए, तो ये कथन किसका है, देखिए ऑप्शन ए है भाटिया का, ऑप्शन बी है जेम्स का, ऑप्शन सी है क्रो एवं क्रो का, ऑप्शन डी है डमलिन का। तो 48 का करेक्ट आंसर होगा देखिए ऑप्शन बी जेम्स का होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन क्या है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। जब अधिगम चैप्टर यानी कि अधिगम, अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग होता है, ठीक है, जो सीखना होता है ना, इसी को अधिगम बोलते हैं। जब आप अधिगम को पढ़ेंगे ना, लर्निंग को जब पढ़ेंगे, तब ये स्टेटमेंट आएगा कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है ये स्किनर का है। अधिगम पढ़ लेंगे तो ये आपको आँख मूंद के आप इसको टिक कर देंगे कि स्किनर का होगा। अधिगम चैप्टर पढ़ना है, इसको ध्यान में रखिएगा। यह
ये चैप्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, अधिगम यानी कि लर्निंग किस तरह से हम सीखते हैं, कुछ भी चीज़ करते हैं हम करके ही सीखते हैं, मतलब आप कह सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग यहाँ पर। और दो क्वेश्चन हैं, आज 20 क्वेश्चंस को करेंगे, तो दो क्वेश्चंस बस बचे हुए हैं। फिफ्टी नंबर क्वेश्चन है, अधिगम का प्रमुख आधार है। अधिगम यानी कि अभी मैं जस्ट आपको बताई थी लर्निंग होता है इसका मतलब, लर्निंग यानी कि कुछ चीज़ों को सीखना, हम सीखते कैसे हैं। अधिगम किस का प्रमुख आधार क्या है, अनुभव है, आत्मविश्वास है, परिपक्वता है या फिर विश्राम है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी जो कि परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी है। अनुभव इसका मतलब एक्सपीरियंस है, आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ये, और ऑप्शन डी परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी। 51 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये हम लोगों का। यदि आपके कुछ विद्यार्थी विद्यालय में आपके दुर्व्यवहार करते हैं, यानी यहाँ पे आपसे होगा, आपसे दुर्व्यवहार करते हैं तो आप क्या करेंगे। देखिए आपका विद्यालय में कुछ विद्यार्थी जो है आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, ऑप्शन बी है उनके अभिभावक को मिलने के लिए बुलाएंगे, ऑप्शन सी है अन्य अध्यापकों को इन विद्यार्थियों के विरुद्ध करेंगे, ये सब जो है करना ही नहीं है, ऑप्शन डी है अपने चरित्र व विद्वता से उनके व्यवहार में सुधार लाएंगे। तो 51 का करेक्ट आंसर होगा देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, अपने चरित्र व विद्वता से उनके व्यवहार में सुधार लाएंगे, उनको समझाएंगे, ये सब चीज़ों को करेंगे, ये अभिभावक को बुलाएंगे ये नहीं करना है, पहले प्रधानाचार्य से भी नहीं, सबसे पहले खुद से हैंडल करने की हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, एक अच्छे टीचर्स का क्वालिटी भी यही होता है कि आप उस प्रॉब्लम को सबसे पहले तो खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद ही फिर अगर नहीं होता है तभी आप कुछ अदर एक्शन ले सकते हैं। उसमें भी जो है एक्शन का मतलब ये भी नहीं कि आप उसके विरुद्ध कुछ लोगों को बुला के मारपीट करवा दिए, ये सब तो करना ही नहीं है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है कि आपका आप कितना इंटरेस्टेड हैं टीचिंग लाइन में, इस चीज़ को वो लोग क्या करते हैं इवैल्यूएशन करता है, इसीलिए एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। तो इसमें जो है अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रख के ही क्या करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो फिर ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, अभी तक 200 क्वेश्चंस भी नहीं किए हैं और 1000 प्लस की सीरीज है, तो अगले बार से क्वेश्चंस के नंबर्स को नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाएंगे। तो आप लोग चैनल पर जुड़े रहिएगा ताकि आपको जो है हेल्प मिल सके इस चैनल से एंट्रेंस में अच्छा मार्क्स लाने के लिए। तो हम लोग ज़्यादातर फोकस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड पर, देखिए झारखंड बीएड एंट्रेंस हो या फिर अदर स्टेट के एंट्रेंस हो, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड तो सब जगह सेम ही होता है, तो क्वेश्चंस भी सेम ही पूछे जाते हैं। इसमें नहीं कि झारखंड के लिए अलग होगा, बिहार के लिए अलग होगा, यूपी के लिए अलग होगा, ऐसे नहीं होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड सब जगह सेम ही होता है। तो ये आप कोई भी स्टेट के हैं तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है,